नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन। सीएमएन पर खास खबर में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ कनिका। खास खबर में आज बात करेंगे एक ऐसी खबर पर जो आपको हैरान और परेशान कर सकती है। जी हां, भारत और पाकिस्तान सीमा पर खलबली के बीच आज एक मुस्लिम युवक ने मेरठ में सनसनी फैला दी है। दोपहर में मुस्लिम युवक दो बोतल में पेट्रोल लेकर जल निगम की टंकी पर चढ़ गया। युवक लगातार नारा लगा रहा है, हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। युवक ने धमकी दी कि अगर किसी ने ऊपर आने की कोशिश की तो वह खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने फोर्स के साथ टंकी की घेराबंदी कर दी। मेरठ में पानी की टंकी पर चढ़ा मुस्लिम युवक, बोला हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। जियाउल हक ने लाउडस्पीकर से अपनी मांग रखी, साथ ही नारा लगाया कि हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। कहा कि देश में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक का दौर शुरू हुआ है, ये नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और नेता नहीं कर सकता। अधिकारियों के बहुत समझाने के बावजूद वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। मेरठ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जियाउल हक नाम का एक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया और प्रशासन से तरह तरह की मांग करने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस सहित कई विभागों के अधिकारियों ने घंटों मशक्कत के बाद युवक को उतारा, जिसके बाद पब्लिक ने युवक की पिटाई भी कर दी। पानी की टंकी पर हाई वोल्टेज ड्रामा, युवक बोला गोहत्या पर लगे रोक। उसका कहना है कि देश में गायों की हत्या हो रही है, रात को सपने में गाय आकर उसे टक्कर मारती है। परेशान होकर वह टंकी पर चढ़ा है। उसने प्रशासन से मांग की कि किसी भी तरह से गोहत्या पर रोक लगाए। उसने मेरठ में हाई कोर्ट बेंच बनाने की मांग भी रखी है। जियाउल हक का कहना है कि गोवंश की हत्या करने वालों का एनकाउंटर कर देना चाहिए। इसी तरह युवक दर्जनों मांगों को लेकर ऊपर माइक से बोलता रहा। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद लोग ऊपर चढ़े और उसको उतार लिया। लेकिन इस बीच फॉरेस्ट अधिकारी आदित्य शर्मा ने कॉलोनी के एक गार्ड को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि गार्ड पर आरोप है कि उसने उसको अंदर पेट्रोल की बोतल लेकर जाने दिया, जिसके बाद जियाउल हक नाम के इस व्यक्ति ने हंगामा कर दिया था। लोगों की लगी भीड़। दरअसल पूरा मामला थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र के फॉरेस्ट कॉलोनी का है। जियाउल हक नाम के व्यक्ति को दोपहर करीब 12 बजे टंकी पर चढ़ा देखा गया। देखते ही देखते लोगों का हुजूम टंकी के नीचे लग गया। जैसे ही मीडिया मौके पर पहुंची, वैसे ही उसने ड्रामे करने शुरू कर दिए, शरीर पर छिड़क लिया पेट्रोल। अधिकारियों ने युवक के नीचे गिरने की आशंका को देखते हुए पानी की टंकी के चारों ओर जाल लगवाना शुरू किया, तो उसने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क लिया। घबराकर पुलिसकर्मियों ने जाल वापस हटा लिया। कई घंटों के बाद पुलिस उसे नीचे उतारने में कामयाब हो पाई। पहले भी कर चुका है ऐसी हरकतें। पुलिस ने बताया कि युवक का नाम जियाउल हक है, इससे पहले भी वह ऐसी हरकतें कर चुका है। बहरहाल आपको बता दें कि युवक को पानी की टंकी से उतारने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन युवक को मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। मेरठ से अरुण कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के लिए खास खबर में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।